हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने पहले लेक्चर के आखिरी सवाल बेंजामिन बल्ब्स का सलूशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सवाल ये था, दोबारा समझाना होगा मुझको सवाल, कि आपके पास एन नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, जैसे लेट अस से हमारे पास 20 बल्ब हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास हमने अज्यूम किया है कि 20 बल्ब हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 बार आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई। पहली फ्लक्चुएशन में हर बल्ब टॉगल हो गया, इनिशियली सारे बल्ब ऑफ थे, हर बल्ब टॉगल हो गया पहली फ्लक्चुएशन में। दूसरी में 2 के मल्टीपल टॉगल हुए, तीसरी में 3 के मल्टीपल, चौथी में 4 के मल्टीपल, पांचवी में 5 के मल्टीपल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 20 फ्लक्चुएशंस हुई। आपको बताना है 20वीं फ्लक्चुएशन के बाद कितने बल्ब ऑन होंगे और कौन से बल्ब ऑन होंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। देखिएगा, तो हम ये लिखेंगे, मैं अभी क्या करना चाहता हूं, फर्स्ट फ्लक्चुएशन में ये बल्ब टच होगा, ये बल्ब टच होगा, सारे बल्ब टच होंगे, तो ये फर्स्ट फ्लक्चुएशन के लिए मैं मार्क लगा देता हूं कि ये पहली फ्लक्चुएशन है, हर बल्ब टॉगल हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इसी के अंदर छुपा है वो सटल पॉइंट जिससे आप खुद पकड़ पाएंगे। अब दूसरी फ्लक्चुएशन में ये वाला बल्ब टच हुआ, ये वाला बल्ब टच हुआ, 6th बल्ब टच हुआ, 8th बल्ब टच हुआ, 10th एंड 12th एंड 14th एंड 16th एंड 18th एंड 20th। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करना चाहता हूं ताकि हम ज्यादा साइकिल्स कर सके। तीसरी आइट्रेशन में, तीसरी फ्लक्चुएशन में 3rd बल्ब, 6th बल्ब, 9th बल्ब, 12th बल्ब, 15th बल्ब, 18th बल्ब टच हुए। 4th फ्लक्चुएशन में 4, 8, 12, 16 एंड 20 को टच किया गया। 5th फ्लक्चुएशन में 5, 10, 15 एंड 20। 6th में 6, 12, 18। 7th में 7, 14। 8th में 8, 16। 9th में 9 एंड 18। 10th में 10 एंड 20। 11th में सिर्फ 11th को टच किया गया, 12th में सिर्फ 12th को, 13th साइकिल में सिर्फ 13 को, 14th साइकिल में सिर्फ 14 को, 15th साइकिल में सिर्फ 15 को, 16th साइकिल में 16 को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 20th साइकिल में सिर्फ 20 को। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस बल्ब के बारे में आपका क्या विचार है। अगर ये इनिशियली ऑफ था तो ये ऑन रहेगा या ऑफ? ऑफ था, पहली साइकिल में ऑन हो गया, एक ही बार टॉगल हुआ है, तो आई थिंक ये ऑन रहेगा। इसके बारे में क्या विचार है, ऑफ या ऑन? पहली बार में ऑफ से ऑन हुआ, दूसरी बार में ऑन से ऑफ हो गया। इसके बारे में ऑफ या ऑन? ऑफ से ऑन हुआ, ऑन से ऑफ हो गया। इसके बारे में ऑफ से ऑन हुआ, ऑन से ऑफ हुआ और फिर ऑफ से ऑन हो गया, ये बल्ब ऑन रहेगा। ये ऑफ से ऑन, ऑन से ऑफ, ये ऑफ से ऑन, ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन, ऑन से ऑफ, ऑफ रह गया। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है 4 पर ऑफ रह गया, 2 पर ऑफ रह गया, 1 और 3 पर ऑन हो गया। तो जिस पर ऑड नंबर ऑफ राइट लगा रखे हैं वो ऑन रहेंगे। तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा, 3 बार टच हुआ, पहली बारी में ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ, फिर ऑन हो गया, तो ये ऑन हो जाएगा। तो ऑफ 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 ऑफ, ये ऑन रहेगा 16 बल्ब, 5 बार टच हुआ, 17 ऑफ, 18 भी ऑफ रहेगा, 19 भी ऑफ रहेगा, 20 भी ऑफ रहेगा। तो जो ऑन रहे वो हैं 1, 4, 9 और 16। तो 1, 4, 9 और 16 के बारे में एक कॉमन थ्रेड समझ में आ रहा है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर्स ऑन रह गए। देखिएगा, असल में सारी बात इस चीज़ पर टिकी थी कि आपके नंबर के फैक्टर्स कितने हैं। अगर किसी बल्ब के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते तो वो इवन नंबर ऑफ साइकिल्स में पार्टिसिपेट करता, और अगर इवन नंबर ऑफ साइकिल में पार्टिसिपेट करता तो ऑफ का ऑफ रहता।
अगर किसी नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते तो वो ऑड नंबर ऑफ साइकिल्स में पार्टिसिपेट करता और इवेंचुअली ऑन छूट जाता। तो सारे परफेक्ट स्क्वेयर्स के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, तो मैं 24 को करता हूं और 36 को करता हूं। 36 परफेक्ट स्क्वेयर है, इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। इस 24 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, ठीक है। और इसके बाद गेम पलट जाता है, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। कितने फैक्टर हुए आपके पास? 8 फैक्टर्स, 4 यहां और 4 यहां। इफ दिस इज एन, दिस इज एन अगेन, तो दिस इज 2n नंबर ऑफ फैक्टर्स। फाइन, तो स्क्वायर रूट के करीब, स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर रूट 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, 5 के आसपास। तो स्क्वायर रूट के बाद आपका सिर्फ मिरर इमेज बन जाता है, n ये थे, n ये थे, तो 2n हो गए। अब 36 को ध्यान से देखिएगा, 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, एंड देन 6 × 6 हैपेंड। After that, 9 × 4, 12 × 3, 18 × 2, and 36 × 1. So if these are n and these are n again and this is 1, so these are 2n+1 number of factors. So perfect squares ke paas 2n+1 number of factors hote hain. Fair game. So all we need to do to solve this question is, hume hai sare perfect squares ko print kar dena. To ab zyada bacha nahi. That is why it was not much of a question, but it was more of a puzzle. तो हमने स्कैनर बनाया, नंबर उठाया, स्कैनर बनाने के बाद, नंबर उठाने के बाद क्या कीजिएगा? सारे परफेक्ट स्क्वायर प्रिंट कर दीजिएगा। div इक्वल टू 1, div भी नहीं है, let us call it something i equal to 1, and the loop would continue till i into i is less than equal to n i++, and सारे perfect square जो n से छोटे हैं उनको print कर दीजिएगा। i print नहीं कर दीजिएगा, i into i print होगा, ठीक है। लाइए इसे submit करके देखते हैं। तो हमसे कहीं पर कुछ रह गया है, गलती हुई है, तो अभी ठीक लग रहा है हमारा आउटपुट, जाकर सबमिट करके देखते हैं। तो एक्सेप्ट हो गया है सॉल्यूशन, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। अब दूसरे चैप्टर में हम बहुत सारी और प्रैक्टिस करेंगे, हम पैटर्न्स की प्रैक्टिस करेंगे, अपना हाथ जमाएंगे इफ एल्स और लूप वगैरह के ऊपर, और फिर आगे बढ़ेंगे। सी यू टिल देन, बाय बाय।